नमस्कार, स्वागत आपका हमारी खास पेशकश में। आज कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद यूपी की सियासत में भूचाल आ गया है और वहीं अपने इस्तीफे को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कुछ कहा है उससे उनकी नाराजगी साफ साफ दिखाई दी है। अब आपको दिखाते हैं कि एबीपी गंगा से बातचीत के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने किस तरह से अपनी नाराजगी का इजहार किया। विपरीत विचारधारा में रह करके भी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार में श्रम सेवा योजन एवं समन्वय मंत्री के रूप में बड़े मनोयोग से मैंने विभागीय उत्तरदायित्व को निभाया, लेकिन जिस तरीके से लगातार दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे लघु एवं मध्यम व्यापारियों के खिलाफ सरकार का उपेक्षात्मक रवैया रहा, उसको देखते हुए मैंने योगी मंत्रिमंडल से आज इस्तीफा दिया है। आज आप अखिलेश यादव से भी मिला है क्या? मिला है क्या अखिलेश यादव से भी? समाजवादी पार्टी आप जा रहे हैं क्या? उन्होंने फोटो ट्वीट की है, फोटो ट्वीट करके लिखा है कि सामाजिक न्याय के पैरोकार है स्वामी प्रसाद मौर्य, वो साथ आ रहे हैं। अभी हमारी उनकी बातचीत होनी है और स्वाभाविक रूप से मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ तो कोई ना कोई राजनीतिक फैसला तो लूंगा ही। इसी बीच मैं अपने प्रदेश के और देश के समर्थकों के साथ बातचीत कर रहा हूँ और जो उनकी आम राय होगी, कहाँ जाना है, किसके साथ खड़ा होना है, मैं उनके विचारों का सम्मान करते हुए निर्णय एक दो दिन में लूंगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा इस्तीफा आपने, पार्टी से इस्तीफा दिया कि नहीं दिया? अभी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया हूँ। संघमित्रा जी भाजपा में सांसद हैं, उनका क्या स्टैंड होगा ये भी सवाल उठ रहा है। देखिए, राजनीतिक निर्णय मैं ले रहा हूँ। डॉक्टर संघमित्रा मौर्य मेरी बेटी जरूर है लेकिन वो बदायूं की सांसद भी है। बदायूं की जनता से किए गए वायदे और जवाबदेही को सांसद के रूप में वो निभाएंगी, इसलिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री हूँ। मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना का फैसला मेरा है, इससे मेरे घर परिवार बेटी या बेटे से कोई लेना देना नहीं है। जो जहाँ जिस रूप में है वो अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह। पार्टी से इस्तीफा आपने नहीं दिया, अभी पार्टी से भी इस्तीफा देंगे? बीजेपी से इस्तीफा नहीं दिया? मैं अपने प्रदेश और देश के सभी समर्थकों कार्यकर्ताओं से बात करके जो भी उचित होगा, पार्टी में रहना होगा वो भी निर्णय लेंगे, कहीं और जाना होगा वो भी निर्णय लेंगे। अखिले कुछ और भी लोग आपके साथ जाएंगे, कुछ और भी लोग आपके साथ जाएंगे, कुछ और भी लोग जाएंगे। कौन जाएगा इस्तीफा देने के बाद, कौन कौन संपर्क में आता है, कौन नहीं आता है, ये तय होगा। इसलिए बिना बातचीत किए मैं किसी प्रकार की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। क्या वजह रही मौर्य जी, आखिर क्या वजह रही आपको आज आपको याद आया कि इस तरीके की स्थिति है? देखिए, मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी का मैंने निर्वहन किया, तमाम विपरीत परिस्थितियों और विचारधारा में रहते हुए भी मैंने बिना किसी शिकन के निसंकोच भरपूर विभागीय जिम्मेदारी का निर्वहन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नाराजगी है आपकी, क्या मतलब? क्या वजह क्या रही? कहीं ना कहीं तो नाराजगी। देखिए, सरकार के मैं व्यक्ति विशेष को दोषी नहीं बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। जो इनके सानिध्य में रहकर इसने प्यार मिला उसके लिए इनको धन्यवाद देता हूँ। तो सानिध्य में आप धन्यवाद भी दे रहे हैं फिर छोड़ भी रहे हैं? जिस तरीके से दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों और इसके साथ ही साथ छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के साथ उपेक्षात्मक रवैया हुआ और इनके विरोध में कार्यक्रम चलाए गए, उसको देखते हुए मैंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। ये भी कहा जा रहा है कि आप जल्द सपा ज्वाइन करेंगे, आप ये नहीं कह रहे? आप उस पर कुछ नहीं कह रहे, सपा में जाएंगे नहीं जाएंगे? नया राजनीतिक ठिकाना ले रहे हैं। मैं मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व को निर्वहन करने में कोई कोरप्शन नहीं की, 5 साल तक मैंने उसका निर्वहन किया। अब निर्वाचन आयोग ने सूचना जारी कर दी है हमको, कहाँ रहना है, बीजेपी में रहना है या बीजेपी के बाहर जाना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, ये निर्णय अपने समर्थकों के साथ वार्ता करके मैं तय करूंगा। नहीं, अगर मान लीजिए बीजेपी आला कमान से कोई शीर्ष नेतृत्व फोन आए आपको मनाए, मान जाएंगे क्या?
हम किसी से बात न करने का मैंने संकल्प नहीं लिया। हम बात सबसे करेंगे, लेकिन निर्णय क्या करना है हमारे कार्यकर्ता समर्थक। तो वो आज की है, कब की है, क्या है उसके पीछे? अब वो फोटो कहाँ से ट्वीट किए हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कहाँ किससे बात करूंगा ये कार्यकर्ताओं से बात करूंगा। कहा जा रहा है दो कैबिनेट मंत्री आएंगे, एक कैबिनेट मंत्री के पास फोन आ गया दिल्ली आला कमान से जैसे ही आपके इस्तीफे की खबर गई उनको रोकने के लिए, ऐसा कुछ है क्या? चार विधायक भी जा रहे हैं, ये जानकारी हमें नहीं है। आप बता रहे हैं तो जानकारी मेरी हो रही है। लेकिन जब आप बीजेपी में आए थे तब भी तकरीबन 20-25 लोग ऐसे थे जिनको टिकट मिला, तो क्या वो सब आपके साथ जाएंगे? अब स्वाभाविक रूप से कौन जाता है कौन नहीं आता है बात करने की बात तय होगा। कब तक तय करेंगे? अब चुनाव तो बहुत कम दिन बोल दिया ना, एक दो दिन के अंदर सब तय हो जाएगा। नाराजगी की वजह चुनाव समिति न पहले था न आज है, इसलिए वो महत्व नहीं है, महत्व सम्मान और अपमान का है, उपेक्षा का। कई और भी लोग तो उपेक्षित महसूस कर रहे होंगे सर, कई और लोग भी तो उपेक्षित महसूस कर रहे होंगे सर मंत्रिमंडल में आपके साथी। अभी मैं विस्तार से आपको बताऊंगा जिस तरीके से आरक्षण की धज्जियां उड़ाई गई, आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया गया, और यहां तक कि शिक्षक भर्ती में इन्होंने बाद में अपनी गलती को स्वीकार करते हुए जो पिछड़ों को वंचित किया गया था उसको अलग से इन्होंने पत्र भी सौंपा, नियुक्ति पत्र भी दिया। और यही नहीं, आज नॉट सुटेबल फॉर फला पोस्ट ये कहकर के उसको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। इंटरव्यू के आधार पर मालूम नहीं कितने आईएएस बनाए गए, इसमें एक भी बैकवर्ड शूटकास्ट नहीं है। ऐसी सी तमाम बातें हैं, मैं एक एक करके सबको आपको सामने रखूंगा। एक दो दिन में हम माने कि आप चले जाएंगे समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, एक दो दिन के अंदर मैं सब कुछ स्पष्ट कर दूंगा, कहां जाना है कहां नहीं जाना ये भी स्पष्ट कर दूंगा, और साथ ही साथ कुल मिलाकर के कार्यकर्ता और समर्थकों से बातचीत करने के बाद। बड़े नेता का फोन आया बीजेपी के अभी तक आपके पास? लगातार आ रहा है और लगातार बात नहीं कर रहे, हम बात नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री जी से भी मिले थे, वो भी आपको हर मंच पर ले जाते थे, उसके बाद ऐसी क्या नाराजगी हो? इसीलिए मैंने कहा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्नेह प्यार के लिए मैं उनको धन्यवाद दिया। लेकिन नाराजगी आपकी कहीं ना कहीं क्या प्रदेश स्तर के नेता नाराजगी है? मैं वैचारिक रूप से जो दलितों पिछड़ों किसानों बेरोजगार नौजवानों छोटे मोटे व्यापारियों के खिलाफ इनका लगातार रवैया है उसके खिलाफ हमारा ये विरोध है। बीजेपी 300 प्लस की बात करिए, अब हो पाएगा 222 में 300 प्लस? अब इसका भी उत्तर मैं दूंगा, इसका भी मैं उत्तर दूंगा, क्योंकि अब उनको पता लगेगा स्वामी प्रसाद मौर्य की हैसियत क्या है। देखा आपने, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अब उनको पता लगेगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की हैसियत क्या है। स्वामी प्रसाद मौर्य से बातचीत हमारी आप देख रहे थे और उन्होंने जो कुछ कहा आपको दिखा था। तो स्वामी प्रसाद मौर्य से टकराया वो नेस्ता नाबूद हो जाता है, वही बात इसका सीधे सीधे आपके पास दृष्टांत है। पहले बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन मायावती जी को बहुत घमंड था कि एको अहम दो तीजो नास्ति, हमारे अलावा कोई दूसरा नहीं है, और वैचारिक मतभेद पर टकराहट हुई। नतीजा आपने देखा कि आज बहन जी जो चार चार बार मुख्यमंत्री रहा हो आज वो आंकड़े और दहाई में पहुंच गया। आपका रुख समाजवादी पार्टी की तरफ है, कैंपेन करेंगे इस बार। आपका रुख समाजवादी पार्टी की तरफ है हराने के लिए। लेकिन एक वक्त था 1995 में आप ही ने मुलायम सिंह का विरोध भी किया था। परिस्थितियों के अनुसार मैं वैचारिक रूप से किसी से भी टकराता हूँ, सम्मान और स्वाभिमान मेरी पहली थाती है और इससे मैं कोई समझौता नहीं कर सकता। की बैठक बुलाई आपने इस बार? मैं बातचीत कर रहा हूँ लगातार, विधायक भी आपके साथ आ रहे हैं, के लिए हमारे साथ में कार्यकर्ता भी आ रहे हैं, विधायक भी आ रहे हैं आपके साथ। हेलो, हाँ हेलो, विधायक भी आ रहे हैं, के लिए क्या मैसेज दे? हेलो हेलो, बीजेपी के लिए जो मैसेज देना था मैंने दे दिया। रोल हमारे सामान का कुछ फोन आ रहा है आपके पास, उनसे बात नहीं कर रहे हैं आप? हमारे साथ तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी मौजूद है, मौर्य साहब बात नहीं कर रहे साहब। आपसे मैंने इंटरव्यू किया था, वैसे आपसे मैंने इंटरव्यू किया था और आपने सब लोग कर रहे हैं भाई साहब, सब लोग कर रहे हैं, ठीक है तक आप रहेंगे। आला कमान से आपने बात किया? आला कमान से देखिए, मैंने पत्र में उस बात का उल्लेख कर दिया है कि मैं मंत्रिमंडल से इस्तीफा क्यों दे रहा हूँ, जिसमें साफ साफ स्पष्ट है कि दलितों पिछड़ों किसानों बेरोजगार नौजवानों छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ जो सरकार की नीति चल रही है, घोर उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं, कई बार मंत्रिमंडल में भी और बाहर भी नेताओं से बात किया, लेकिन
उन लोगों की कार्यशैली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आपका दो दिन अंततः बाबूजी दो दिन पहले आज मैं इस्तीफा दिया हूँ बाबूजी। ये बताइए, कहा जा रहा है कि आपके लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है, आपके लोगों को टिकट नहीं मिल रहा था इसलिए नाराजगी में आप चले। टिकट किसको मिलेगा किसे नहीं मिलेगा मैं तय करूंगा, इसलिए बात इसकी नहीं है। बात अगर टिकट हमें दो गुना दे दें तो भी अगर सम्मान के साथ रहने का अवसर नहीं मिलता तो ऐसे टिकट को बहुत दिनों बाद नहीं समझ में आया आपको, 5 साल बाद नहीं समझ में आया आपको, 5 साल में समझ में आया। किसने किया बाबूजी असम्मान, किसने किया? वैचारिक रूप से दलितों पिछड़ों किसानों बेरोजगार नौजवानों और साथ ही साथ छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ सरकार का रवैया सदैव रहा है। इस विषय बात किया उसको इग्नोर किया गया, नतीजा हुआ कि आज मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। सीधा सवाल, आप सपा में जाएंगे या फिर अपनी कोई पार्टी? समय समय पर यहाँ तक कि मंत्रिमंडल में भी मैंने कई बार कहा आप सपा में जाएंगे या अपना अलग अगली अलग पार्टी सुनानी की आपको? एक बार पूछेंगे या 10 बार पूछेंगे मैं यही बताऊंगा कि कार्यकर्ताओं समर्थकों से बात करने के बाद मेरा अगला निर्णय होगा। तस्वीर आई है आप अमित शाह के यहाँ भी, आप मेरी तस्वीर अपने साथ भी लगा सकते हैं। अमित शाह के यहाँ भी बैठक में आप काशी में गए, जेपी नड्डा आए वहाँ पर भी आप बैठक में रहे, हर जगह आपने पार्टी की बात। बैठक में इस्तीफा देने के पहले मैं किस पार्टी के सभी कार्यक्रमों में एक निष्ठा पूर्वक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा हर जगह पहुंचा। अच्छा जी बताइए कि सरकार कौन जाएंगे आप इस्तीफा देने? और एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, समाजवादी पार्टी के ज्वाइन करने पर, समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने की अटकलों के बीच में गौरव भाटिया ने जो ट्वीट किया था वो ट्वीट हटा लिया उन्होंने। गौरव भाटिया ने स्वामी प्रसाद मौर्य को अंधकार बताने वाला ट्वीट हटा लिया है, बड़ी खबर ये। बड़ी अपडेट आपको दे दें, गौरव भाटिया ने स्वामी प्रसाद मौर्य को अंधकार बताया था, केशव प्रसाद मौर्य को प्रकाश बताया था अपने ट्वीट में, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस पर टिप्पणी भी की थी, अब उस ट्वीट को गौरव भाटिया ने हटा लिया है। क्या इसका अर्थ समझा जाए? क्या अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है स्वामी प्रसाद मौर्य का? अविनाश तिवारी फोन लाइन पर, अविनाश क्या अपडेट है आपके पास? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो जिस तरीके से दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है और उस बैठक में खुद गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है जो कि बीजेपी के चालक हैं, और 2017 का चुनाव जो कि बीजेपी 3% बहुमत के साथ जीती थी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया था। उसके बाद जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य की खबर आई, बीच बैठक में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को और संगठन महामंत्री सुनील बंसल को कहा कि आखिर देखिए कि क्या कुछ कमियां हैं, हमारे नेतृत्व को उनसे बातचीत करनी चाहिए और ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि किन कारणों से उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया, उनको पार्टी में लाया जाना चाहिए। इसको लेकर तमाम तरह के बीजेपी के बड़े नेता हैं वो लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में बीजेपी के जो प्रवक्ता का ट्वीट आया तो ट्वीट पर बीजेपी के आलाकमान तक पहुंचा, जिसके बाद बीजेपी आलाकमान की तरफ से उसको फटकार लगी और उन्होंने वो ट्वीट ट्वीट कर दिया। अगर बात करें तो बीजेपी के भी कई सारे ऐसे नेता हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ लगातार ट्वीट कर रहे हैं, उनमें प्रमुख नाम उद्यान मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी का भी है, उन्होंने भी कहा है कि दूसरी नाव में सवार हुए हैं और ये राजनीतिक आत्महत्या जैसा आत्मघाती निर्णय है, हो सकता है कुछ देर बाद उन्हें भी अपना ट्वीट डिलीट करना पड़े, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली से जो सेंट्रल बीजेपी है वो लगातार पूरा डैमेज कंट्रोल करने में लगी हुई है, क्योंकि परसेप्शन बीजेपी ये नहीं देना चाहती है चुनाव के पहले कि लोग उससे नाराज हैं, पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, यही कर रही है, तमाम सारे नेताओं को मना रही है और अपने पाले में वापस लाने की कोशिश कर रही है, और इसीलिए जो भी नेता बीजेपी के इस तरीके से ट्वीट कर रहा है उसको सेंट्रल बीजेपी को फटकार मिल रही है और उसके बाद ट्वीट डिलीट किया जा रहा है। अविनाश आप बड़ी अपडेट दे रहे हैं हमारे दर्शकों को कि एक ट्वीट डिलीट कर दिया गया है गौरव भाटिया के द्वारा, और भी ट्वीट जो है वो डिलीट हो सकते हैं इसी संदर्भ में किए गए। अविनाश क्या बातचीत हो रही है सेंट्रल बीजेपी लीडरशिप के द्वारा, और इस बीच में ताज़ा कोई जानकारी आपको जो मालूम पड़ी हो कि किसी का कोई फोन गया हो या किसी ने संपर्क किया हो स्वामी प्रसाद मौर्य से? देखिए अगर बात करें तो इस वक्त दिल्ली में बीजेपी की बैठक चल रही है और उस बैठक में उत्तर प्रदेश बीजेपी के तमाम सारे नेता मौजूद है, मुख्यमंत्री मौजूद है, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है, संगठन महामंत्री सुनील बंसल मौजूद है, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मौजूद है, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है, और उसी कक्ष से लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य को स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल फोन कर रहे हैं, हालांकि उनसे अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य का कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया, बातचीत नहीं हो पाई, तो जाहिर तौर से बात है कि अगर फोन उठेगा तो हो सकता है कि उस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह बैठे हैं, वो भी बातचीत करें, वो भी अपनी ओर से संदेश दें और वो भी ये जानने की कोशिश करें कि आखिर क्या कारण रहा है, क्या मजबूत
प्रतिक्रिया रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी में जाना पड़ रहा है, बीजेपी को छोड़ना पड़ रहा है, तमाम सारी चीजों को लेकर बीजेपी पता लगाने की कोशिश में। क्योंकि अगर आप देखिए तो 2017 का जब चुनाव हुआ था तो बीजेपी के उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष थे गृह मंत्री अमित शाह, और उन्होंने माइक्रो मैनेजमेंट के तहत तमाम सारी छोटी जातियों को साधने के लिए उनके जो छोटे छोटे बड़े बड़े नेता हैं उनको बीजेपी में लाने की कोशिश की थी, और उसी कड़ी में स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे अनेकों नेता बीजेपी में आए थे। तो बीजेपी ने सभी को जोड़कर एक बड़ी पार्टी का आकार दिया था और उसके बाद इतनी बंपर जीत उत्तर प्रदेश के अंदर मिली थी। और बीजेपी 2022 में ये कतई नहीं चाहती कि ये संदेश जाए जनता के बीच में कि बीजेपी से एक एक करके लोग छिटक रहे हैं। अगर बिल्कुल 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 अविनाश, बीजेपी कतई ये नहीं जाएगी और इस प्रकार की घटनाएं इसी प्रकार के संदेश की ओर लेकर जाती है चीजों को।